Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is lecture number 8 of DSSB TGT Trinity Math. Chapter is quadratic equation. ठीक है, तो 7 lectures मैं इस पे अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए उसको, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, और एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोज के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे. ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ. तो आज हमारा टॉपिक है वेबी कर्व मेथड या नंबर लाइन रूल. कब इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूँ, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं इसको. देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सॉल्व, इसको सॉल्व करना है आपको. सॉल्व x² + x² + 5x + 4 > 0. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ये इनइक्वालिटी है ग्रेटर की. जब भी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई एक्सप्रेशन है, जब भी इसमें greater than, less than, greater than or equal to जैसी चीजें इन्वॉल्व हो जाए उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं. जहां पर भी इस तरीके का साइन आप देखिएगा, समझ जाना कि वो इनइक्वालिटी है. तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. अगर हम कहें तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. इसको मुझे सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसका जो फैक्टर करेंगे, इसका लीनियर फैक्टर करेंगे. तो इसका लीनियर फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा, x + 1 x + 4 > 0. x² + 4x + 5x + 4 > 0. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, जब ये लीनियर फैक्टर में आ जाता है तो इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं. मतलब x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और x + 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4. ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई x की ना, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं. इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले -4 छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर को -1 ऐसे प्लॉट कर लिया हम लोगों ने. अब इसका देखिए, राइट से साइन लिखना शुरू करेंगे. साइन या तो प्लस लिखना है या तो माइनस लिखना है. तो देखिए, इसके लिए हमको क्या करना है ना, सबसे पहले x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेंगे. देखिए, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है. अगर नहीं होगा तो उसमें से माइनस कॉमन करके पॉजिटिव बना लेंगे. अब जब पॉजिटिव हो गया तो यहाँ प्लस से शुरू करेंगे. क्यों शुरू करेंगे, इसका रीजन है. देखिए, इससे बड़ा कोई नंबर, -1 से बड़ा कोई नंबर ले ले, 2 ले ले, और इसे पुट करें तो 2 + 1 = 3, 2 + 4 = 6, 3 + 6 = 18. 18 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है. 18 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम प्लस लेंगे. इधर का कोई भी नंबर लेके आप इसमें पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव दे. अब ये प्लस आ गया, इसके बाद यहाँ पे माइनस लिखना है. उसका भी रीजन, इसके बीच का कोई नंबर लीजिए, चेक कर लीजिए. 0 जैसे ले लें, 0 रखेंगे कितना देगा 4. अगर हम लोग 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 और -1, इसके बीच का 0 नहीं आएगा. -4 और -1 के बीच का नंबर -2 ले लें. -2 + 1 कितना हो गया -1, और -2 + 4 कितना हो गया 2. तो 2 - 1 कितना होगा -2, मतलब नेगेटिव साइन आएगा. प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस लिखना है. अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस. अब देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो. तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ मिल रहा है, इस इंटरवल में मिल रहा है. ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक. इधर मिनिमम कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक. तो अगर इसका हम सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन सेट लिखते हैं. ध्यान रखिएगा, इक्वेशन होगा तो हम सोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आने वाले हैं, इसलिए हम सोल्यूशन सेट बोलते हैं. तो क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू वॉट, -∞ से -4, यूनियन वॉट, -1 से ∞. यूनियन का मतलब और, एंड सॉरी और का मतलब, या तो सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है या तो सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है. तो ये और के लिए लिखा जाता है, सेट थ्योरी में ये नोटेशन आता है, जिसको यूनियन बोलते हैं. यूनियन, ठीक है ना, यूनियन का मतलब होता है और. तो सोल्यूशन या तो यक्स यहाँ बिलोंग करेगा या तो यक्स यहाँ पे बिलोंग करेगा. यहाँ से कोई नंबर लेंगे आप इसमें रखेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा. यहाँ से कोई नंबर लेंगे इसमें रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा. ठीक है, तो ये तो एक सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिया था. इस तरीके की रेशनल इनइक्वालिटीज कभी भी आ जाए, मान लीजिए कि अब मुझे इसको सॉल्व करना है, x + 1 / x + 2 > 0. ठीक है ना, इसको मुझे सॉल्व करना है. तो ये भी देखिए रेशनल इनइक्वालिटी. रेशनल का मतलब ऊपर भी पॉलीनोमियल है, नीचे भी पॉलीनोमियल है. कभी पॉलीनोमियल 2 डिग्री का हो सकता है, 3 डिग्री का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट ये पॉलीनोमियल है, ऊपर भी पॉलीनोमियल है और नीचे भी पॉलीनोमियल है. ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करना है या लेस देन जीरो सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वेबी कर्व मेथड या नंबर लाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने पहला क्वेश्चन लिया है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x² * 3x - 4 / 4 x - 5 / 5 2x - 7 / 6 = 0 is what. ठीक है, पूछा जा रहा है इससे कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे.
ठीक है। देखिए यहाँ पे जब लेस देन जीरो लगा मिल गया तो आपने समझ लिया कि ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। और चूंकि देखिए इसमें जो सभी जो एक्स के पावर्स है ना वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये रेशनल इनइक्वालिटी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेबी कर मेथड या नंबर लाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। आइए मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक एक स्टेप बताता हूँ कि नंबर लाइन रूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज की कभी भी जो है ना, अगर जो इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है रेशनल इनइक्वालिटी, अगर उसमें अगर मान लो क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है, तो सबसे पहले उसको अगर पॉसिबल है तो उसको आप फैक्टराइज करिए, इसमें लीनियर फैक्टर्स में ले आना है। देखिए यहाँ पे एक्स ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर का रिपीटेशन है, दो बार आया है। 3x-4 लीनियर फैक्टर है, x-2 क्या लीनियर फैक्टर है, x-5 लीनियर फैक्टर है, 2x-7 क्या लीनियर फैक्टर है। तो ये सभी लीनियर फैक्टर है, तो आपको आप फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कुछ ऐसा होता x2+5x+4 डिवाइडेड बाई x2-x2+3x+2 लेस देन 0, मतलब इसको सॉल्व करना होता तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते, इसको फैक्टराइज करते और लीनियर फैक्टर में ले आते, x+1 x+ है ना, इसको हम लोग फैक्टराइज करते, ओके x+4 x+3 है ना, x2+x+2 x+1 है ना, x2+2x+1 3x+2 लेस देन 0, तो ये लीनियर फैक्टर आ गया। तो इस तरीके से कभी भी अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है या क्यूबिक है तो उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, लीनियर फैक्टर्स में ले आएंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे सभी लीनियर फैक्टर है, ठीक है। लीनियर फैक्टर का पावर कितना 5, लीनियर फैक्टर का पावर कितना है 6 है, तो ये लीनियर फैक्टर्स आ गए। पहला काम तो यही था। दूसरा काम ये था ना, अब देखिए दूसरा काम क्या करना होता है बेबी कर मेथड में, एक्स का कोफिशिएंट सभी को पॉजिटिव बना लीजिए। देखिए ये पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव है, एक्स का कोफिशिएंट कितना 3 कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स का कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने फैक्टर किया और कुछ ऐसी चीज आ गई, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ देखा तो एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव था, इसमें से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा x-3 और कितना आ जाएगा x+2 <0। अब देखिए सभी एक्स का कोफिशिएंट कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये दूसरा काम था, ठीक है। तीसरा काम ये था कि जो भी लीनियर फैक्टर ना सभी को 0 से इक्वेट करिए। तो देखिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x = 0 तो कितना आ जाएगा x = 0, 3x-4 को 0 से इक्वेट करते x = कितना आ जाएगा 4/3, x-2 को 0 से इक्वेट करें तो कितना आ जाएगा x = 2, x-5 को 0 से इक्वेट किया कितना आ गया 5, 2x-7 को 0 से इक्वेट किया कितना आ गया 7/2। ये तीसरा स्टेप था। अब चौथा स्टेप ये है ना, एक नंबर लाइन बनाइए और इस पे ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं सब क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, तो इन सभी को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर प्लॉट करना लेफ्ट से राइट। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है, सबसे छोटे नंबर की अगर बात करें तो 0 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो नंबर है वो कौन सा है 4/3, फिर 4/3 के बाद हमारा कौन सा नंबर है 4/3 के बाद 2 है, ठीक है ना। 0 हमने प्लॉट कर दिया, 4/3 प्लॉट कर दिया, 2 प्लॉट कर दिया। 5 और 7/2 में सबसे पहले किसको प्लॉट करेंगे 7/2 को, और फिर किसको प्लॉट करेंगे 5 को, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा +∞, इधर कितना आ जाएगा -∞, ठीक। ये हमारा अगला स्टेप था। इसमें भी जैसे मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स पे प्लॉट करना हो तो मैं सबसे पहले किसको प्लॉट करूंगा, x-3 = 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और 3, इधर +∞ इधर कितना -∞, ठीक है। तो अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो साइन होगा प्लस, जैसे x का कोफिशिएंट तो सब आपने पॉजिटिव बना चुके हैं आप, अब साइन क्या है प्लस, तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे, प्लस लिख के स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसमें जैसे किससे स्टार्ट करेंगे, माइनस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करना है ना, अब जैसे आप 5 पे आ गए, 5 देखिए किसके वजह से 5 आया है, इसके वजह से आया है, ठीक है। अब जो जिस लीनियर फैक्टर की वजह से ये 5 आया है, अगर उसका पावर ऑड होगा तो साइन बदल जाएगी, अल्टरनेट चलेगा, और अगर इवन होगा तो साइन में चेंजिंग नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पे पावर 5 है, ऑड है, ऑड है तो प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 7/2 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, इसका पावर कितना है 6 है, जो कि इवन है, इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, माइनस यहाँ भी था, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हम 2 पे आ गए, 2 देखिए किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया है, इसका पावर क्या है इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस था, यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। 4/3 किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से, इसका पावर क्या है ऑड है, ऑड है तो चेंजिंग होगा, माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। और 0 पे आ गए, 0 इसकी वजह से आया था, इसका पावर क्या है इवन है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ये मैं साइन स्कीम लिख दिया, जैसे इसके लिए मुझे साइन स्कीम लिखना है तो शुरू किससे करूंगा मैं, माइनस से। अच्छा उसके आगे में फिर लिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, प्लस लिखूंगा, क्योंकि सभी देखिए सभी का पावर क्या ऑड है ना, तो यहाँ पे माइनस फिर प्लस और फिर आगे क्या आएगा, माइनस, ये अल्टरनेट चलता है। अच्छा आपको कभी कंफ्यूजन हो, दुविधा हो, तो आप ऐसे करना, आपको चेक -2 और 3 के बीच का एक नंबर ले लीजिए, जैसे 0 0 इसमें रखिए,
तो अगर इसमें जीरो रखेंगे कितना आ जाएगा थ्री, यहाँ जीरो रखेंगे कितना आ जाएगा टू, थ्री इंटू टू कितना आता है सिक्स, सिक्स कैसा नंबर है पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन क्या रख दिया प्लस रख दिया। तो इस तरीके से हम साइन को लिखते हैं। ओके अब देखिए मुझे इसका सोल्यूशन क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो लेस मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये पूरा देखिए लेस देन जीरो मिल रहा है। तो अगर मुझे इसका सोल्यूशन लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स बिलोंग टू, देखिए इक्वल टू लगा हुआ है मतलब ब्रैकेट को हर जगह क्लोज होगा, जहां भी ब्रैकेट को लिखेंगे क्लोज। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी में ब्रैकेट हमेशा ओपन होता है, क्योंकि इसको हम ये सबसे बड़ा नंबर है इसको बंद नहीं कर सकते, कितना बड़ा है कि हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में ब्रैकेट को ओपन रखना है। तो देखिए सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है, माइनस फोर बाई थ्री से, सॉरी फोर बाई थ्री से लेकर हमें चाहिए निगेटिव, लेस देन आर इक्वल टू जीरो, फोर बाई थ्री से लेकर कहाँ तक फाइव तक, ठीक। ये मैंने क्लोज लगा दिया। अब अंतिम बात हमें ये करना है, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट हमने नहीं इसमें लिख लिया है जो सोल्यूशन सेट में आता ही नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज है ना, आप देख लेना डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए मैं फाइव, अगर मेरे सॉल्यूशन फाइव आ गया है, अगर आया देखिए फाइव आ गया, फाइव हमने क्लोज कर दिया, फाइव आ गया है, फाइव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फाइव माइनस फाइव क्या हो जाएगा जीरो, और समथिंग बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये चीज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आप जो नीचे जो भी चीजें जहां पे जीरो बनता है उसको सॉल्यूशन में से हटा देना है। तो देखिए यहां से फाइव हटा देना है और सेवन बाई टू अगर आ रहा है हटा देना, देखिए सेवन बाई टू आ रहा था उसको हटा देना, और सेवन बाई टू नहीं आएगा और फाइव को आपको नहीं देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से आप मैं सोल्यूशन लिखूंगा व्यवस्थित, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसमें से, तो अगर हम बात करें तो इसमें से माइनस कर देते हैं, पहली बार फाइव को ओपन कर देते हैं क्योंकि फाइव सोल्यूशन आएगा नहीं, और क्या प्रॉब्लम था सेवन बाई टू प्रॉब्लम था, सेवन बाई टू को हटा देते हैं, माइनस सेवन बाई टू मैंने लिख दिया, तो ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन देख क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, इसके बीच में कितने इंटीजर्स आए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं, फोर बाई थ्री है, फोर बाई थ्री का मतलब कितना होता है वन से ज्यादा, वन से ज्यादा है, ये ग्रेटर देन वन है, और ये लास्ट में कितना फाइव, फाइव तो ओपन है मतलब लेस देन फाइव लेना है, तो ग्रेटर देन वन लेना है, इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा टू आएगा, फिर इसके बीच में क्या आएगा थ्री आएगा, फिर इस सेट में टू आएगा, इस सेट में थ्री आएगा, और इस सेट में क्या आएगा फोर आएगा, फाइव तो आएगा नहीं क्योंकि फाइव तो ओपन है, कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा तीन, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैंने ऑप्शन नहीं दिखा, हाँ दिखा है, इसका थ्री पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ सिक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो इज व्हाट, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी क्योंकि ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ इसलिए इनइक्वालिटी बोलेंगे, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो पूछा इसका सॉल्यूशन क्या है इसमें से, देखिए हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, पहले टू डिग्री का टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स, और फिर कितना प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये कोफिशिएंट क्या बन जाए पॉजिटिव बन जाए, कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, अब और यहाँ पर क्या बन गया जीरो। अब देखिए साइन क्या होता है ना, जैसे मैं अगर लिखूँ कि फोर थ्री से बड़ा होता है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब साइन क्या, अब साइन ग्रेटर देन का होगा नहीं होगा, क्योंकि माइनस फोर माइनस थ्री से बड़ा नहीं होता है, माइनस फोर माइनस थ्री से क्या होता है छोटा होता है, तो साइन माइनस फोर माइनस थ्री से क्या होता है छोटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी इनइक्वालिटी लिखी रहेगी और उसका दोनों साइड में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जो ग्रेटर देन लिखा होगा उसको लेस देन लिखना पड़ेगा, और अगर लेस देन लिखा होगा तो उसको क्या लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको जो ग्रेटर देन था क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको क्या लिख देंगे लेस देन जीरो। अब देखिए मैंने कहा था इसको लीनियर फैक्टर में बांटिए, आप जब इसको अगर फैक्टराइज करें तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो मैंने एक्स कॉमन कर लिया, एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन कर लिया, एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, फैक्टर्स कितने आ गए एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, तो ये देखिए लीनियर फैक्टर आ गए। मैंने अगला स्टेप आपको ये बताया था कि अभी जो लीनियर फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करिए, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री आ गया, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस टू आ गया, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, इसको नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है, ठीक है। सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा माइनस टू, उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा थ्री, इधर क्या आना है इन्फिनिटी और इधर क्या आना है माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी, नंबर लाइन में सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी, ठीक। अब मुझे क्या साइन लिखना है, अब मैंने बताया था कि देखिए x का कोएफिशिएंट देख लेना पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है, तो साइन यहाँ पे क्या है प्लस, हम प्लस से स्टार्ट करेंगे प्लस, और देखिए थ्री पे आ गए और थ्री थ्री इससे मिल रहा है और इसका पावर क्या ऑड है, तो साइन बदलेगी, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, और माइनस टू किससे मिला इससे मिला है और इसका भी पावर क्या है ऑड है, इसलिए साइन बदलेगा, माइनस के बाद क्या आएगा प्लस, मतलब अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस प्लस,
अब देखिए हमें क्या लेना है, लेस देन जीरो लेना, हमें ऐसा एक्स चाहिए जो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दे, नेगेटिव बना दे, लेस देन जीरो का हमें नेगेटिव बना दे। तो ऐसा एक्स कहाँ पे मिलने वाला, यहाँ पे मिलने वाला, जो कि नेगेटिव बनाएगा। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, एक्स माइनस टू से थ्री तक बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। If for real values of x, x square minus 3x plus 2 greater than 0 and x square minus 3x plus minus 4 less than or equal to 0, then x lies between what? Minus 1 to 1, minus 1 closed, 4 पे open, minus 1 पे closed, 1 पे open or 2 पे open or 4 पे closed, x is greater than 2 and less than or equal to 4। इसमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन से ऐसी x की वैल्यूज है जिसके लिए ये और ये दोनों, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, निगेटिव होगा। मुझे कॉमन सोल्यूशन निकालना है, इसका भी सोल्यूशन हम निकालेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे और बताएंगे दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या है, क्योंकि पूछा जा रहा है वो कौन सा एक्स है जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, एक्स कॉमन कर लिया, एक्स माइनस टू माइनस वन कॉमन कर लिया, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, x माइनस टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देखिए x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन, फिर x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू टू। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस इन्फिनिटी, साइन क्या है, प्लस, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ पे मिलेगा और पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा। ये इसका सोल्यूशन आ गया, x belongs to minus infinity से 1 और x belongs to 2 से infinity। ध्यान, ठीक है, अब ध्यान मैं इसको लिख देता हूँ, x belongs to minus infinity, minus infinity bracket हमेशा open रखते हैं, minus infinity से 1, अब 1 पे open करना है, closed करना है, देखिए यहाँ पे सिर्फ greater than लगा है इसलिए bracket को open लिखेंगे, अगर ये greater than equal to लिखा होता तो bracket को यहाँ क्या करते हैं, closed करते हैं, फिलहाल open करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा रहेगा ब्रैकेट क्लोज होगा, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन लिखा होगा ब्रैकेट ओपन होगा, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ब्रैकेट हमेशा ओपन रहता है। ठीक, तो यहाँ सोल्यूशन मिला, यूनियन, यूनियन और कहाँ मिला, टू से इन्फिनिटी, टू पे भी ओपन कर दिया और इन्फिनिटी भी क्या करते हैं, ओपन कर दिया, इसका सोल्यूशन ये मिला। आइए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, फैक्टर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, x कॉमन कर लिया, x माइनस फोर प्लस वन कॉमन कर लिया, x माइनस फोर लेस देन आर इक्वल टू जीरो, तो x माइनस फोर एक्स प्लस वन लेस देन आर इक्वल टू जीरो। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, माइनस वन, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, फोर, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन किससे स्टार्ट करेंगे, प्लस से, और सभी ऑड पावर फैक्टर्स हैं इससे साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस और प्लस। मुझे लेस देन आर इक्वल टू जीरो लेना है, मतलब निगेटिव लेना है, निगेटिव कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो सोल्यूशन कितना आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस वन से फोर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसलिए ब्रैकेट आपकी बार क्या होगा, क्लोज होगा। अब इन दोनों का मुझे कॉमन सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालने के लिए मैं दोनों के क्रिटिकल पॉइंट को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ का कौन कौन सा है, वन टू, और इधर कौन है, माइनस वन फोर, तो माइनस वन सबसे छोटा माइनस वन, उससे बड़ा कौन सा है वन, उससे बड़ा कौन सा है टू, उससे बड़ा कौन सा है फोर। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन मैं ऊपर प्लॉट करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से वन, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी से वन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वन इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वन को मैंने ब्रैकेट को ओपन लगाया है, चाहे तो मैं वन को ऐसे सर्कल लगा देता हूँ, ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से वन और टू से इन्फिनिटी प्लॉट करना है, टू से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये मैंने इसके सोल्यूशन को यहाँ प्लॉट कर दिया, अब इसके सोल्यूशन प्लॉट करता हूँ। ठीक है, इसका सोल्यूशन कहाँ पे मिला है, माइनस वन से फोर में मिला है, तो माइनस वन से फोर में मैं माइनस वन से फोर में इसको इसी नीचे प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोनों का कॉमन सोल्यूशन कहाँ पे मिला, देखिए यहाँ पे जो है दोनों का, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल रहा है कॉमन सोल्यूशन, देखिए यहाँ तो है, यहाँ ऊपर नहीं है नीचे है, यहाँ पे ऊपर है लेकिन यहाँ नीचे है, कॉमन सोल्यूशन समझ रहे होंगे आप, यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है। तो क्या मिलेगा सोल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन, माइनस वन को देखना इंक्लूडेड है कि नहीं, माइनस वन इंक्लूडेड है, देखिए माइनस वन पे ब्रैकेट कैसा होगा, क्लोज होगा, माइनस वन से लेकर वन, वन पे ब्रैकेट कैसा है, ओपन है, इसलिए यहाँ पे ओपन लगाना है, यूनियन, और टू, टू पे ब्रैकेट कैसा है, टू पे ब्रैकेट ओपन है, तो टू से लेकर फोर, फोर पे ब्रैकेट कैसा है, क्लोज है, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, दिस इज आंसर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइनस वन से वन कह रहे हैं, माइनस वन से वन सिर्फ दे रहे हैं, लेकिन हमारा टू से फोर भी है, माइनस वन से फोर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए माइनस वन से वन
माइनस वन से वन और माइनस वन पे क्लोज, वन पे ओपन, ठीक है, और मतलब यूनियन, और टू पे ओपन और फोर पे क्लोज। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही पे समाप्त कर रहे हैं हम जो है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।